तो सारे भाई ना राम राम। मेरा नाम है राहुल अत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है सब कुछ विद राहुल अत्री। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा की आन बान शान और लेखक जो अपनी लेखनी से पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं, एंडी दहिया जी। तो मैं सबसे पहले अपने चैनल पर एंडी दहिया जी का स्वागत करता हूँ और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारे प्यारे से दर्शकों को राम राम करें। राम राम जी आप सभी को, सब कुछ विद राहुल अत्री मेरे भाई की तरफ से राम राम और एंडी दिया की तरफ से राम राम। तो सर सबसे पहले तो ये बताओ एंडी, एंडी का मीनिंग क्या, आपका नाम कैसे पड़ा एंडी? भाई आप तो हरियाणा से हो राहुल, आपको पता एंडी कौन होता है हरियाणा? एंडी का मतलब है एंडी। काफी अच्छा। आपकी जो सफर की शुरुआत हुई लेखनी की वो कहाँ से हुई और कैसे हुई? राहुल भाई देखिए, मैं बचपन से शौक था मेरे को कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का और अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का। तो इसीलिए फिर मैं इस लाइन में आया और मैंने सॉन्ग लिखने शुरू किए और आप लोगों की दया है और भोले बाबा का आशीर्वाद है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। तो सर आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हो? मैं जींद डिस्ट्रिक्ट में सफीदों से। सफीदों से, तो बहुत अच्छे सर जी। और सबसे पहले ये बताइए जी कि हमारे हरियाणा में जब भी कोई कलाकार अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करता है तो आपने अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए कि आप शुरू में आपने क्या क्या परेशानियां झेली इसके लिए? परेशानियां तो बहुत ज़्यादा आई मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी क्योंकि मेरे को सच में कुछ बड़ा करना था और अब भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ क्योंकि अपने गाँव का ही नहीं मेरे को पूरे हरियाणा का नाम रोशन करना है, इसलिए मैं लगा रहता हूँ। परेशानियाँ तो कोई भी प्रोफेशन है, बंदा जिस भी फील्ड में जाता है शुरू में परेशानियां तो आती हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा परेशानी आई लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अब भी मैं कंटिन्यूटी ऐसे ही काम कर रहा हूँ। दोस्तों मेहनत का सबूत मैं आपको लोगों को देता हूँ कि मैं जब सर के पास सुबह पहुँचा तो उस वक्त तक सर सुबह जल्दी उठ के 3 सॉन्ग लिख चुके थे। क्योंकि आज कहीं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं सॉन्ग सुबह उठ गया था, मैं 4 बजे के आसपास है और लिखने ही लग रहा था क्योंकि आज रिकॉर्डिंग चल रही है, किसी सिंगर ने स्टूडियो बुक किया तो अच्छा नहीं लगता भी वो वेट करें या किसी को वेट कराना अच्छा नहीं लगता मेरे को। मेरे को ये होता भी 5 बजे का टाइम है ना किसी को सॉन्ग लिख के देने का तो 4 बजे तक लिख के दे दूँ। अच्छा तो आप एक दिन में सॉन्ग रेडी कर देते हो? हाँ ना, ये कुछ पहले के थे, कुछ कंसेप्ट माइंड में आए हुए, कुछ लिख रखे थे, कुछ पेंडिंग थे तो आज वो 3 सॉन्ग मैंने पूरे कर दिए। अच्छा वो जैसे आप सॉन्ग लिखने का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लाते हो? ये तो आज तक मैं मेरी भी नहीं समझ में आया कितना वो कंसेप्ट, बस मैं माँ सरस्वती का नाम लेके लिखने लग जाता हूँ और अपने आप ही आ जाते हैं, कलम अपने आप ही चल जाता है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी नहीं पता आज तक क्यों करा माइंड में कैसे लाइन आवे हैं, बस माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो सर सबसे पहले बताइए आपका जो लेटेस्ट सॉन्ग आने वाला है नज़दीकी, कौन सा सॉन्ग आने वाला है आपका? मेरी लाइफ का बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मुझे क्या आप लोगों को सबको ही पसंद आएगा क्योंकि ये सॉन्ग जब मैंने सिर्फ 2 ही लाइन लिखी थी, मैं था उस टाइम पे इस राजू पंजाबी के स्टूडियो में, राजू भाई बोले यार ये तो बहुत ज़बरदस्त गाना बनेगा, तो केडी भाई भी आए हुए थे वहाँ स्टूडियो में उसी टाइम। हाँ मैं बोला मैं केडी था, मैं भाई तना रैप करना इस गाने में, तो उन्होंने बोला दिखाइए के लिखा है, 2 लाइन पढ़ते ही भाई ने बोला ठीक आप रैप करेंगे इस गाने में। केडी भाई ने भी पसंद आया, राजू भाई ने पसंद आया। उसके बाद तो एक स्पेशल बात मैं सर को बीच में थोड़ा सा माफी चाहूंगा रोकने के लिए, जो केडी सर है इतनी महान हस्ती है हरियाणा के अंदर वो सिर्फ अपने सॉन्ग में ही रैप करते हैं, मैंने ऐसा सुना है, क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल सही बात आपकी, मेरे हिसाब से तो आज तक उन्होंने किसी के लिखे हुए सॉन्ग में रैप नहीं किया और ये पहला सॉन्ग है उनका। हाँ जो मेरे को मना नहीं किया उन्होंने और इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी केडी भाई का, नु बोले भाई बिल्कुल करूंगा मैं इसमें रैप और अच्छा रैप करा, बिल्कुल जो मैंने लिखा था ना गाना बिल्कुल उससे मिलता जुलता अच्छा रैप लिखा, गाने के ऊपर हैवी पड़ रहा है रैप, इतना अच्छा रैप करा भाई ने। तो बोल और रैप जब दोनों मिलकर तैयार होते हैं तो एक अच्छा और ब्लॉकबस्टर सॉन्ग तैयार हो जाता है और राजू जी ने इतनी अच्छी कंपोजिशन बनाई इसकी और इतना अच्छा गाया, सच में हम जितनी पूरी टीम थी ना वहाँ पे स्टूडियो में सबको बहुत पसंद आया। जैसे ही ऑडियो रेडी हुई तो मैं सबसे पहले ऑडियो रेडी होते विजय वर्मा के पास भेजता हूँ, विजय वर्मा जी के पास जैसे ही मैंने ऑडियो भेजी तो विजय सर ने मेरे द्वारा फोन करा गया, बोला ये गाना अपना है, मैं कहा हाँ अपना है ये गाना, बोला आप करेंगे सर, मैं कहा आपके लिए करें हमने रेडी, ये सरप्राइज है मेरी तरफ से आपके लिए, तो गाना उनको बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर हमने ये शूट कराया और सच में ये इतना अच्छा गाना है, इसके लिरिक्स, इसकी कंपोजिशन, इसका रैप और इसकी सिंगिंग और इसकी वीडियो, वीडियो में विजय वर्मा जी ने इतनी जान डाल दी इसके अंदर, ऑडियो के ऊपर बहुत ज्यादा मैंने। सर मैं चाहूंगा 2 बोल गाने के हो जाएं इसी के। देखो मैंने गाना को नहीं आता मेरे, मैं जो भी गाता हूँ कोई बात नहीं, जैसी भी वॉइस है
ये है, तना कहना से तो कह ले गुनागार, गवाही देनी बंद कर दी, जो समझ ना समझ ले यार, सफाई देनी बंद कर दी, सफाई देनी बंद कर दी। बहुत अच्छा सॉन्ग, मैं भी चाहता हूँ ये चढ़े, अच्छा सॉन्ग है दोस्तों। अपना प्यार बनाए रखिएगा सॉन्ग के प्रति, और लाइक शेयर कमेंट मत भूलना। और ये नव हरियाणवी कंपनी से आएगा 28 तारीख को, 28 तारीख को आएगा, 28 जनवरी 2020। हाँ, इस गाने को जब मैंने लिखा था ना, तब पता नहीं कि मुझे ये लग गया था, ये सैड सॉन्ग भी है और डीजे सॉन्ग भी है, और राजू पंजाबी जी ने इसकी बहुत अच्छी कंपोजिशन की और इसमें सिंगिंग की। मेरे को ये, मैं इसको दिन में कई बार सुन लेता हूँ इस गाने को, इतना पसंद है मुझे। हाँ, एक्चुअली ऐसा होता है ना, जो मतलब सिंगर हैं और जो लेखक हैं वो अपने गानों कम ही सुनते हैं लेकिन मैं मेरे नहीं, कई ऐसे हरियाणा के और भी सिंगर और राइटर हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनके भी सुनते रहता हूँ सॉन्ग वगैरह। मैं ये नहीं है कि मैं मेरे लिखे ही सुनता हूँ ना, सबके सुनता हूँ मैं, क्योंकि एक मैं ही नहीं बल्कि हरियाणा के सभी कलाकार, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं चाहे जूनियर चाहे सीनियर हैं, सभी हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी होती है इस बात की भाई, अपने हरियाणा आज के टाइम में बहुत ऊपर जा चुका है। तो दोस्तों, जो हरियाणवी इंडस्ट्री है लगातार ऊपर उठ रही है, अभी आने वाले समय में बहुत सी फिल्में आने वाली हैं हरियाणवी। हाँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सर, और हरियाणा के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आ चुकी हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी, जो कंपनियां पंजाबी सॉन्ग करती थी, जो मूवी निकालती थी, आज के टाइम में वो सभी कंपनियां हरियाणा के सॉन्ग कर रही है। तो मैं थोड़ा सा कहानी को पीछे ले जाता हूँ। तो सर, अपनी आपकी जो लाइफ है, लेखनी की जो लाइन है, शुरुआती स्ट्रगल में अपने पेरेंट्स ने आपको कितना साथ दिया? पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मजबूर थे, उनके पास इतना पैसा, बहुत गरीब फैमिली से हूँ मैं, मम्मी पापा के पास इतना पैसा ही नहीं था अभी मुझे वो सपोर्ट कर सके। हाँ, उन्होंने मेरे को एक बात जरूर बोल दी थी, बेटा तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, मेहनत कर तू, अगर तेरी मेहनत रंग लाएगी तो। और सच में मेरा भगवान ने और मेरी पूरे इंडस्ट्री ने, सभी मेरा कलाकार साथियों ने, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा कलाकार ही नहीं है जिसके साथ मेरी बनती नहीं हो इंडस्ट्री में। सबके साथ मेरी बहुत अच्छी बोलचाल है, सबके साथ बनती है, सभी मुझे सपोर्ट करते हैं। कोई हरियाणा का ऐसा राइटर नहीं है जिसके साथ मेरी बनती नहीं हो। मैं तो सिर्फ लिख लेता हूँ, लेकिन हरियाणा में एक से एक ऐसे ऐसे राइटर हैं, क्या कमाल लिखते हैं, बहुत ही अच्छा। और सिंगर भी हैं, फीमेल सिंगर जो आजकल अपने बहुत अच्छा गाती हैं, और सभी कलाकारों के साथ मेरी अच्छी बनती है, सभी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और सबकी मैं करता हूँ। दोस्तों, इसकी मिसाल मैं भी आपको देना चाहूँगा कि सर बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं। मैंने सिर्फ सर के पास सिर्फ एक बार फ़ोन किया, कहने मैंने कहा सर इंटरव्यू चाहिए था आपका, तो सर ने बिल्कुल मना नहीं किया, कह रहे जब आपको टाइम लगेगा, जब मेरे को टाइम लगेगा तो ज़रूर मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। तो फाइनली आज वो दिन आ गया। तो ऐसा सोच के और देख के सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे हरियाणा के जो भी कलाकार हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही जमीन पे हैं, कोई घमंड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, घमंड किस चीज़ का रहा, जो भी आप लोगों की वजह से तो है, जनता जनता जनार्दन पब्लिक, मैं सही बता रहा हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सारी पब्लिक का जो हमारे सॉन्ग देखती है जनता, क्योंकि हमारे कलाकार साथी है जो उनको आज के टाइम में इतना प्यार मिल रहा है। पहले पंजाबी सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनते थे, लेकिन अभी हरियाणा के जो हमारे हरियाणा वासी हैं वो हरियाणवी सॉन्ग को सुनते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। पहले हम कहीं पे जाते थे ना तो लोग लोकेशन वगैरह पर जाते थे कहीं पे, हमें इतनी शूटिंग नहीं करने देते थे या परमिशन वगैरह नहीं मिलती थी, लेकिन आज के टाइम में हमारे जो फैन है, जो हमारी पब्लिक है, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं हमें और अच्छा लगता है ये सब देख के। तो सर, एक मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे कि आपने स्टडी कहाँ तक करी है, पढ़ाई? स्टडी तो ना के बराबर है, प्लस टू में कंपार्ट है नहीं मैंने कंपार्ट 3-4 बार फॉर्म भरे मैंने। देखो सर मैं एक बार आपसे बात जरूर बताना चाहूँगा कि मैंने अब तक थोड़े इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन जितने भी इंटरव्यू लिए हैं सभी कलाकार पढ़ाई में फिसड्डी मिले मुझे ऐसा होता क्यों है कि जो भी पढ़ाई में फिसड्डी होता है वो हमेशा ऊंचे लेवल पर जाता है कलाकारी में? काफ़ी कलाकार हैं जो हमारे पढ़े लिखे भी हैं। नहीं नहीं ज़्यादा, क्योंकि घर के कहते हैं पढ़ना लिखना तो है नहीं है, ऊट पटांग करेगा छोरा है कि नहीं, लेकिन कलाकार है ना, जो कलाकार हैं वो भगवान के बहुत नज़दीक हैं। देखो मैं बताऊँ आपको, एक बुक से, एक स्टूडेंट एक बुक में देख के क्वेश्चन याद नहीं कर सकता, और एक कलाकार है देखो वो पब्लिक का मनोरंजन करते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं कॉपी पेन लेके बैठ जाता हूँ कई बार, या कोई भी राइटर साथी है मेरा कॉपी पेन लेके बैठ जाता है, वो ऐसी चीज़ लिख देता है समाज को देख के जो हमने किसी भी बुक में लिखी नहीं मिली कहीं नहीं। हाँ, तो इसलिए और इससे एक सामाजिक संदेश भी जाता है। हाँ, और मैं आपके काफी इंटरव्यू देख चुका हूँ, आप जो लोगों से क्वेश्चन पूछते हो ना बहुत अच्छा है वो, और ये एक कलाकार का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ता है जिससे आप उनके पास जाके उनके लाइफ के बारे में जानते हो और लोगों को बताते हो। थैंक यू सर अपने मेरे इंटरव्यू देखने के लिए। क्योंकि सर एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि आप सॉन्ग लिखते हो,
एक राइटर हो, लेकिन एक राइटर की फेस वैल्यू इतनी नहीं है हरियाणा में, क्योंकि बहुत से राइटर जो पर्दे के पीछे लिखते रहते हैं, सॉन्ग उनके आते रहते हैं, लेकिन आप क्या मानते हो कि फेस वैल्यू जरूरी है या नहीं है? फेस वैल्यू जरूरी है, ये कई बार फील हो जाता है, क्योंकि जो हम चार पांच बंदे कहीं पे होते हैं ना तो उनके साथ कुछ सेल्फी वगैरह ज्यादा ली जाती है और राइटर ऐसे खड़ा रहता है तो कई बार थोड़ा फील होता है फील ये नहीं होता, हालांकि खुशी होती है भी लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हो, वो भी तो हमारे भाई बंधु है ना, लेकिन थोड़ा ये लग जाता है यार गाने तो तेरे भी हिट है तेरे को पहचान नहीं रहे ये लोग, लेकिन बस यही है भी हमारे जो आज के टाइम में गाने चल रहे हैं जो पब्लिक सुन रही है हमारे सॉन्ग, बहुत खुशी होती है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि आपका एक सॉन्ग आया था हवा कसुत्ती, हाँ जी, पहले तो उसके दो बोल सुनाए फिर उसकी मैं कहानी जानूंगा कि उस सॉन्ग के पीछे की लिखनी कहानी क्या थी। उसके बोल ये हैं, आशिका के दिल की रह तू दवा कसूती से, मारे गांव में मर जानी तेरी हवा कसूती से। फिर लड़की के बोल हैं, ना कर झूठे बात तेरी हर बात झूठी से, मैं जानू सूर बात जड़ैया जित उठी से, जित उठी से। हाँ तो सर उसके पीछे क्या कंसेप्ट लिखा, मतलब लिखने के पीछे क्या कंसेप्ट था आपका? नहीं कोई रीजन नहीं था, बस ऐसे ही माइंड में आती रही लाइनें और मैं लिखता रहा। तो आपको याद है आपने कहाँ बैठ के लिखा था सॉन्ग? हाँ मुझे वो किड्डी के स्टूडियो में था, मैं हिसार, अच्छा। किड्डी भाई का स्टूडियो है हिसार के अंदर, उनके ऑफिस पे था मैं नाइट में जब लिखा था मैंने ये सॉन्ग। अच्छा। मेरे को आज तक जो मैंने आज से 10 साल पहले भी सॉन्ग लिखे थे ना सारे याद है मेरे को वो सॉन्ग, आज तक भी मैं मेरी किसी भी सॉन्ग की स्थाई यात्रा नहीं भूल रहा हूँ, सभी सॉन्ग याद है। बढ़िया है। और सर सॉन्ग लिखना भी एक कला है, बिल्कुल, जो हर किसी के पास नहीं होती है, और जो अपने समाज की फीलिंग चलती रहती है, मेरे ख्याल से आप उन फीलिंग के जरिए ही आप समाज के जरिए आप सॉन्ग लिखते हो, तो आपके जो मेनली सॉन्ग है वो पति पत्नी की नोक झोंक के ऊपर भी काफी हैं। तो आपकी तो नहीं है ऐसे घर पे? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता क्या है, जो अपने हरियाणा में ना हस्बैंड वाइफ का जो प्यार प्रेम है ना, एक गुस्से में भी प्यार छिपा होता है। हाँ हाँ ये बात सही है। तो इसलिए मैं वही चीज लिखता हूँ जो मैं देखता हूँ, और वही चीजें लिखना बहुत अच्छी बात होती है। देखो सॉन्ग ऐसे अच्छे हैं जो पूरी फैमिली बैठ के सुनते हैं। हाँ, और मेरे किसी भी सॉन्ग में आपको वल्गरिटी नहीं मिलेगी, जो भी मैं लिखूंगा ना वो कहीं ना कहीं रियल में वो बात कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ होती रहती है, घर की नोक झोंक, इसलिए मैं वही चीजें लिखता हूँ जो मेरे सामने होते हैं। चलो बहुत अच्छा सर जी। और सर आप की एक फेस वैल्यू बनी, आपकी एक विजय वर्मा साथ सीरीज आई थी मंगू के ड्रामे, तो उस सीरीज के बारे में बताइए, वो बंद क्यों हुई और उसके बाद आपको फेस वैल्यू मिली मेरे ख्याल से? हाँ, कोई खास रीजन नहीं था उसका बंद होने का, बस वैसे ही विजय सर मूवी करने लगे थे, फिल्म करने लगे थे, तो इसलिए टाइम नहीं था सर के पास, और मेरे पास भी ऑडियो वगैरह का काम ज़्यादा है, भगवान के दया से मेरे पास ऑडियो का काम इतना है, चाहे मैं डेली सॉन्ग लिख लूँ ऑडियो, हाँ सभी कंपनियों का काम है मेरे पास, और सभी सिंगर है जो सभी का धन्यवाद जो मुझे कहते रहते भी हमारे लिए सॉन्ग लिख, मेरे पास अब भी काम काफ़ी है। सर एक फेस वैल्यू बनने के बाद कुछ थोड़ा सा डिसएडवांटेज होते हैं है ना, वो जैसे कि मतलब पब्लिक में आप पब्लिकली नहीं जा सकते और वगैरह बहुत कुछ रीजन है, उनके बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी राय क्या है? देखो मैं पब्लिक के बीच में रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि जो पब्लिक में हो रहा है ना मैं वो उनसे कुछ बातें नोट करता हूँ और तभी सॉन्ग लिख पाता हूँ। मैं मेरे शहर में ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ, और आप लोगों को बता दूँ मैं आज भी मैं बसों में सफ़र करता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। हाँ मैं बसों में घूमता रहता हूँ आज भी, पब्लिक के बीच में रहना मेरे को बहुत पसंद है, ये नहीं है कि मैं कहीं पर छुप के रहूँ या मैं पब्लिक से ना मिलूँ, मैं खुद ही ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ पब्लिक के बीच में, आता जाता रहता हूँ। तो ऐसी कुछ बात हो किसी ने आपको पहचान लिया और बाद में मतलब? हाँ अब पहचानने लग गए लोग, और खुशी भी होती है अंदर से जब लोग पहचानते, कहते हैं तो एंडी दिया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मैंने मेहनत रंग लेके आई है। सर कमेंट आते हैं जब यूट्यूब पे आपका सॉन्ग आता है तो नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं, कमेंट देखते हो? हाँ कमेंट देखता हूँ मैं, पढ़ता रहता हूँ। रिप्लाई भी करते हो? रिप्लाई तो नहीं करता, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं इन चीज़ों के बारे में ना ही, तो मेरी मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, मेरी कोई फेसबुक आईडी नहीं है आज तक भी, आज तक भी। हाँ लोगों ने बना रखी, पता नहीं कौन कैसे यूज करता है, फेसबुक आईडी नहीं है मेरी, ना ही कोई इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरा पेज है, लोगों ने बना रखे हैं, सिर्फ मैं व्हाट्सअप ही यूज करता हूँ। ओनली व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम भी नहीं है? नहीं इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं आपका? नहीं कोई चैनल नहीं है, सारी कंपनियां अपनी ही है सारी कंपनियां का काम अपने पास, तो सारी कंपनियां सारे चैनल अपने हैं। तो मैंने एक खास बात और देखी है सर, हरियाणा में और पंजाब की इंडस्ट्री में क्या फर्क है कि जो पंजाब के सिंगर हैं और लेखक हैं वो काफ़ी रिच होते हैं, मतलब कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन हरियाणा में इतना पैसा क्यों नहीं है, इसका कोई चक्कर? कुछ नहीं, उन पैसा पूछा नहीं, जमीन बिक रही है उनकी हाँ और हमारे वाली भी आज के टाइम में कम नहीं है, हमारे आने वाले 5 साल में देख लेना
आने वाले 5 साल में हरियाणवी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी, पता क्यों? क्योंकि आप सब लोग जो इतना प्यार जो दे रहे हो कलाकारों को। तो दोस्तों हम सबको मिलके हरियाणवी इंडस्ट्री को सबसे ऊपर लेके जाना है, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो ये था हमारे एंडी दैया जी का छोटा सा इंटरव्यू, दोबारा सर से इंटरव्यू लेंगे और अच्छे से, जो अपने आपके मन में जो इच्छा जाग रही है कि सर से ये सवाल पूछना चाहिए था, सर से ये सवाल पूछना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ के और दोबारा सर से मिलूँगा, दोबारा सर का इंटरव्यू लूँगा। तब तक के लिए, और सर मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप सर के सॉन्ग गुनेगार को, जिसमें हरियाणा के 3-4 धुरंधर काम कर रहे हैं, ऐसा हरियाणा में ऐसा कोई गाना पहले आया नहीं होगा जिसमें 4 धुरंधर काम कर रहे हो, तो सर के गानों को सपोर्ट करियो। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल के बारे में दो बात बोलें। सब कुछ विद राहुल अत्री जो चैनल है बहुत अच्छा, और राहुल से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे बहुत सभी अच्छे क्वेश्चन थे, और सभी कलाकारों का भाई इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई के चैनल पर जाके देखिए भी किस किस कलाकार का इंटरव्यू लेना चाहिए और किस किस का ले चुके हैं। चलो थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।